नमस्कार, अराइज न्यूज में स्वागत है आपका। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी देशवासियों को अराइज न्यूज परिवार की ओर से शुभकामनाएं। आज देश 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर देश भर में ध्वजारोहण किया गया, जगह जगह आजादी के विजय गाथा के प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। देखिए देश के विभिन्न भागों से स्वतंत्रता दिवस समारोह के कुछ झलकियां। आपका स्वागत है। अभी 15 अगस्त कल मनाया जा रहा है धूमधाम से अपने देश में। मैं चाहता हूँ कि आप 15 अगस्त जैसे शुभ अवसर पर खेलकर जनता के लिए कुछ। नमस्कार। देश स्वतंत्रता का 75वां वर्ष अमृत वर्ष मना रहा है। इस उपलक्ष्य में नगर जनों से एक प्रार्थना करूँगा, सभी लोगों से एक विनती करूँगा। लोगों ने हमारे लिए कुर्बानी दी, अपना खून दिया, अपने आप को बलिदान दिया, तो अमृत महोत्सव जो अमृत वर्ष का महोत्सव है, इस महोत्सव में हम अपने जीवन में देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए कोई एक ऐसा प्रण करें जिससे आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तेजी के साथ तरक्की कर रहा है, भारत आने वाले दिनों में उससे ज़्यादा तेजी के साथ तरक्की करे और विश्व का एक नंबर का देश बने। आज मैं खड़ा हूँ कांदीवली वेस्ट के चारकोप के वार्ड नंबर 32 में, जहाँ बीजेपी के उपाध्यक्ष श्री रमेश काटकर जी हमारे सामने मौजूद हैं। आज मैं चाहूँगा कि रमेश जी ये 15 अगस्त के उपलक्ष्य में कुछ दो शब्द देशवासियों के लिए बोलें। नमस्कार। पहला तो मैं भारत माता की जय बोलूँगा, वंदे मातरम बोलूँगा, और दूसरा बात यह है कि हमारे भारत के पंत प्रधान, कार्य सम्राट, ऐसे लोकप्रिय, ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अपने देशवासियों को एक 75वें साल में अमृत महोत्सव, घर घर झंडा, हर घर झंडा, ऐसे स्कीम लाके, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ये करके उन्होंने बढ़िया सा एक संदेश देशवासियों के लिए दिया है और अनुरोध किया है कि हर घर में झंडा लगना चाहिए। और उन्होंने अपनी पूरी उसके ऊपर पूरा दिमाग की लगा के पूरा एकदम सिस्टम से उसको लाके कर दिया है, उसी के लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और दूसरी बात यह है कि हमारे चारकोप के लाडले आमदार श्री योगेश सागर साहब, उन्होंने अपने यहाँ पे नटराज मार्केट में 1.25 किलोमीटर की एक पद यात्रा जो तिरंगा लेके चलेगी, उसके लिए बहुत सारे स्कूल से, कॉलेज से बहुत सारे लोग वहाँ पर इन्वॉल्व हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट इन्वॉल्व हो गए, उनके चलिए ये रैली एकदम सक्सेस हो गई। आज हम अभी 1-2 घंटा पहले हम रैली से आए हैं, वहाँ पे हमारे सांसद भी थे, बहुत सारे नगर सेवक भी थे और हमारे आमदार योगेश सागर साहब खुद इसमें, उनकी ये संकल्पना थी कि 75वां साल मेरे चारकोप वासियों के लिए एक अद्वितीय ऐसा और अविस्मरणीय ऐसी ये हो जाए जिससे लोगों को याद रहे। और दूसरी बात यह है कि मैं अपने यहाँ पे जो कांदिवली के और महाराष्ट्र जी के सभी देशवासियों से निवेदन करूँगा कि 15 अगस्त के दिन झंडा लहराए, घर घर झंडा लहराए, और अपने देशवासी के लिए मैं ये भी बोलूँगा कि वो जिस तरह अपना देश के लिए झंडा लहराए, वैसे ही देश की उन्नति, देश की प्रगति और देश की हर शिक्षा, मेडिकल और एजुकेशन, ये सब जगह पे बढ़ जाए, यही मैं कामना करता हूँ। और भारत माता की जय बोल के मेरे वामी को विराम देता हूँ। नमस्कार। आज मैं पहुँचा हूँ मुंबई के चारकोप एरिया में, जहाँ वार्ड नंबर 32 से बीजेपी के उपाध्यक्ष श्री रमेश काटकर जी ने झंडा फहरा कर देश का 75वां स्वतंत्रता का वर्षगांठ मनाया। आइए बात करता हूँ रमेश जी से। नेताजी, आप अभी देश अमृत महोत्सव मना रहा है 75वां, अभी इस उपलक्ष्य में आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? बहुत हर्षोल्लास से अपने यहाँ पे ये कार्यक्रम मनाया जाता है और 75वां साल ये अमृत महोत्सव करके मनाया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख ही रहोगे
कि इतना सुबह भी बच्चे लोगों ने भी अपना कुछ सॉन्ग गाया, किसी ने अपना भाषण दिया, किसी ने इंग्लिश में दिया, कुछ मराठी में दिया, कोई हिंदी में दिया। आज की जो नई पीढ़ी है वो भी इस चीज़ को जानती कि 75वां साल और देश स्वतंत्र तक क्या होती है, उन लोग को भी अभी समझ में आ गए। हम लोग से ज़्यादा आज के डेट में बच्चे लोग जो है वो इंस्पायर हो रहे हैं, और हम लोग यही चाहते हैं कि भारत माता की जय बोलते हुए बच्चे भी अपना आगे बढ़े, और अपने जहाँ के भी भारतवासी है वो कॉम्प्लेक्स के हो सकते हैं, वो गणेश नगर के हो सकते हैं, कांदौली के हो सकते हैं, मलाड़ के हो सकते हैं, चारों तरफ से मैं एक ही संदेश सबके लिए दूंगा कि ये 75वां साल है, सभी लोग हर्षोल्लास से मनाएं और अपने देश के प्रति, अपने भारत प्रति के, भारत के प्रति अपन एक उन्नति का रास्ता बनाएं, जो बच्चे लोग हैं वो एजुकेशन ले, अच्छे अच्छे क्षेत्र में आगे बढ़े। और यहाँ के कॉम्प्लेक्स के लिए बोलेंगे तो कॉम्प्लेक्स में अभी अपना ये जो गार्डन है, ये गार्डन की देखभाल और इसकी सब परवरिश कर रहे हैं हमारा ग्रीन गार्डन सेवा प्रतिष्ठान। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं ये सभी वहाँ के सभासद है, और पीछे भी हमारी माता बहनें खड़ी है, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है। सभी लोग अपना एक फीट से लेके, जो आप अभी देख रहे होगे, तो पूरे गार्डन की तरफ जरा सा मैं अनुरोध करूँगा कि पूरा गार्डन एक बार दिखा दीजिए, कि गार्डन ने एक फीट से शुरुआत किया था, जो आज ये गार्डन यहाँ पे अपना कम से कम मिनिमम मेरे अंदाज से 10 फीट के आसपास पहुँच गया है ये पेड़। तो ये पेड़ बनाने में यहाँ के सभी माता बहनें और यहाँ के सभी मेंबर्स लोग, जितने गार्डन के सभासद हैं, इन लोग से ये मेहनत की गई है। सुबह 7 बजे यहाँ पे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी हाजिर हो जाते हैं, और अपने 7 से लेकर 9 बस इतने मुंबई जैसे शहर में व्यस्त दिन होने के बावजूद भी यहाँ पे अपना 2 घंटा दे के अपना जो कार्य करते हैं उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद शुक्रगुजार करता हूँ, और आए हुए सभी मान्यवरों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। और मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारे जो मंडल के सेक्रेटरी है वैद्यनाथ गिरी जी, इनसे भी 2 शब्द बोलने का कष्ट कर। गिरी जी, आराज न्यूज में आपका स्वागत है। अभी इस महोत्सव पे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम जो है भारत के ये 75वें सालगिरह पर काफ़ी हर्ष उत्साहित हैं। अभी जो है सब लोग, जितने भी अपने भारतवासी हैं, सब लोग इसको अच्छे ढंग से मनाया है, और आगे भी हम ये उम्मीद करते हैं कि सब लोग मनाते रहेंगे, सब लोग साथ में मिल करके हर बिरादरी जितने भी लोग हैं सब लोग प्रेम से एक साथ मिल करके जो है इस पर्व को अच्छे ढंग से मनाएं। धन्यवाद, अभिनंदन। मैं ग्रीन गार्डन का सदस्य मंगला प्रसाद यादव आप लोग से अनुरोध ये करता हूँ कि 75वें स्वतंत्रता के 75वें दिवस पे आप लोग स्वतंत्रता से अपना जो कि झंडा रोहण करिए, और झंडा आप देश का जो कि मान बढ़ाइए, सम्मान बढ़ाइए। और ये ग्रीन गार्डन के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि अपना अपना कार्यभार अच्छे से निभाएं, और जो अपने पूरे भारतवासी हैं एकजुट मिल करके आज का दिन गौरवान बनाएं, जो कि विश्व में पूरा प्रचलित होना चाहिए। ये इतना कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ऐसे में कैसा लग रहा है आप लोग को, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देश के लिए या युवाओं के लिए, खासकर बच्चों के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं आप लोग ऐसे मौके पर? बस यही कहते हैं भाई सबको, हम यही कहते हैं कि हम अच्छाई घर से शुरुआत करें, हम अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएं, सही खुद पहले कर्म करें, और अपने बच्चों को भी अच्छा कर्म करना सिखाएं। घर से अच्छी शुरुआत होगा तो वो समाज में अच्छा इंसान बनेगा और देश का अच्छा इंसान बनेगा, तब जाके ये जो भी करप्शन है सब हट जाएगा। राज न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हमारा देश आज़ादी का 75वां वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। ऐसे में कैसा लग रहा है आप लोगों को, और क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आप लोग देश के लिए या खासकर युवाओं के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, देश के आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। पूरा देश आज़ादी के इस माहौल में बड़ा आनंद के साथ अपने झंडा को फहरा रहा है। पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों, मैंने देखा कि विदेशों में इस तिरंगे की सम्मान लोग बढ़ा रहे हैं, वहाँ पर भी झंडा रोहण, वहाँ पर भी तिरंगे का सम्मान हो रहा है। इसी तरह देश की एकता अखंडता को बनाने के लिए हम सब का योगदान होना चाहिए। जिस तरह नारा माननीय प्रधानमंत्री ने जी दिया है कि हर घर तिरंगा,
बिल्कुल हर घर तिरंगा होना चाहिए, दिल में तिरंगा होना चाहिए, घर पे तिरंगा होना चाहिए, लेकिन हर गरीबों को घर भी मिलना चाहिए, ये सबसे बड़ी मांग हमारी हमेशा की रही है। 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग राष्ट्र के नाम या युवाओं के नाम या देश के नाम कुछ दो शब्द बोलें सर। अपने भारत देशाला 75 साल हो गए और आज 15 अगस्त है, वो निमित्त ने सब अपने सब संस्था वाले सब अपने स्कूल में सब 75 और 15 अगस्त का सब त्यौहार बना रहे, झंडा वंदन का कार्यक्रम चल रहे हैं। वैसा ही अपने लालजीपाड़ा में रौप भाई ने भी झंडा वंदन का प्रोग्राम इधर आ गया, इसके लिए मेरे आमंत्रण किया, इसके लिए झंडा वंदन इधर भी इधर सब स्थानिक रहवासी इनके हस्ते झंडा वंदन का प्रोग्राम हो गया। धन्यवाद।